गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज है संडे और वेदर देखो कितना अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है। सुबह से हवा चल रही है और देखो मैंगो ट्री में कितना आम आया। तो ये देखने के लिए मैं बैल्कनी में खड़ी थी और मैं सोच रही थी चलो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। और देखो हल्का हल्का हवा चल रही है और मेरा बेटा का हाथ में मैंने फूल दे दिया क्योंकि मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे शिवाय का ब्रेकफास्ट भी बना लिया। ये ब्रेकफास्ट में है सूजी और दूध, मतलब दूध और सूजी की खीर है। और बेड फेड सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। और ये जो पिलो देख रहे हो ये साइड में मैं रख देती हूँ, इसीलिए शिवाय ना जो हाथ में लेते हैं सारे पीछे फेंक देते हैं, वो तो बाद में उठाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाते हैं। ये जो बैग देख रहे हो इसमें शिवाय का टॉयज है। और बर्फ़ छोड़ने के लिए मैंने फिश भी डाल दिया और पूजा पूजा करके मैं आ गई और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आप लोग देख रहे हो आज है ब्रेड ऑमलेट। संडे का दिन सुबह से शाम तक स्पेशल खाना खाना पड़ता है। और ब्रेड जो बीच में मैं ऐसे होल्ड कर रही हूँ इसीलिए ये जो योक है ना ये साइड से बाहर आ जाएगा और पूरी अच्छे तरफ से पक जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे बीच में होल्ड कर रही हूँ। देखो कितने अच्छे से फ्राई हो गया ब्रेड। और आज मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है तुम्हारे बंगाली बात समझ में नहीं आता है उन लोगों को, इसीलिए हफ्ते में एक दिन हिंदी में बातें करो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो हिंदी में बात कर लेती हूँ। और ये सब काम करने का बाद मैं आ गई अपने आप को थोड़ा पैम्पर करने के लिए, क्योंकि संडे से संडे तक एक हफ्ता का जो टाइमिंग है ना अपने आप को देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और संडे का दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, शिवाय उसका पास रहता है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ एक बोल में थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर ले लिया, उसको मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। तो 20 मिनट्स रख के इसको मैं ठंडा पानी से वॉश कर लूँगी और उसके बाद पता चलेगा, मतलब टैन फैन सब हट जाएगा। मतलब ये मतलब घरेलू ट्रीटमेंट है। और क्योंकि पहले मैं फेशियल कराती थी, आजकल ना टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि 2-3 घंटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चिकन लेके आया बोनलेस चिकन, लेकिन आने के बाद उनको इच्छा हो रहा है ये चिकन सैंडविच खाना है कुलचे वाले ब्रेड के साथ। तो इतना बड़ा बड़ा चिकन की जो पीसेस है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए अभी कटिंग चल रहा है। तो मैं कटिंग शटिंग चिकन का कर नहीं सकती इसीलिए मेरे हस्बैंड कर रहा है। तो यहाँ पे चॉपर बोर्ड में करना चाहिए था लेकिन इन्होंने पहले ही चिकन इसमें उठा लिया, तो मैंने और चेंज करने के लिए नहीं दिया, इसमें ही अब कटिंग चल रहा है। आज मैं चिकन का एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। तो लेमन जूस डाल के ये मैं आधा घंटा से एक घंटा मैं रख दूँगी, क्योंकि उसी का बीच में मैं फिश का एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो शेयर करूँगी। और उसमें क्या क्या डालूँगी अभी वो अभी दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें अभी लेमन जूस डाल के मैं मिक्स करूँगी और ढक के रख दूँगी। पानी में डिप करके जो फिश मैंने रखा था उसमें से पानी मैंने निकाल दिया और इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, मिर्च पाउडर। ऐसे फिश फ्राई करने से मिर्च पाउडर नहीं लगता है, लेकिन ये मैं थोड़ा अलग तरीके में फ्राई करूँगी, इसीलिए इसमें गार्लिक जिंजर और हरी मिर्च की पेस्ट, लेमन जूस ये सब लग रहा है और ऊपर से थोड़ा ऑयल डालना पड़ेगा। अब ये मैरिनेशन करके मैं रख दूँगी आधा घंटा, उसके बाद ऑयल गर्म करके अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी और गर्म गर्म स्नैक्स का हिसाब से भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ चिकन। ये जो रेसिपी है ना ये बहुत इजी है, जिनको खाना बनाना नहीं आता है एक बार अगर देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा ये चिकन कैसे बनता है। देखो चिकन से कितना पानी छोड़ा और पानी जब पूरा ड्राई हो जाएगा ना इसमें जिंजर और गार्लिक मैं ऐड कर दूँगी। जिंजर और गार्लिक इसमें ना मतलब जुलियन करके अगर काट के डालेंगे तभी अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा ऐड कर दूँगी कैप्सिकम और
ऑनियन, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद जब मैं देखूँगी ये अच्छे से फ्राई हो गया तब मैं ऊपर से डाल दूँगी हल्का सा नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर किसी का मन करे तो इसमें अजीनामोटो भी डाल सकते हैं। तो अजीनामोटो खाने में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो मत डालिएगा, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी शाम की टाइमिंग है, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो जाते समय मैं मंदिर में थोड़ा दर्शन करके जा रही हूँ, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट का अंदर ही मंदिर है, तो वहाँ पे मतलब इस साइड से जब भी निकलती हूँ ना तभी मैं दर्शन करके निकलती हूँ भगवान जी को। तो सामान लेके आते वक्त मैं फूल भी लेकर आ गई, और देखो इसमें यशोदा मुड़ी है, टॉप हर्ब्स एक नया बिस्किट आया है तो मैंने फटाफट उठा लिया, और इसमें कुलचे वाले ब्रेड है। थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी अभी कुलचे, स्टफ्ड कुलचे, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। और देखो ये मेरा सामान है, पहले मैं बनाऊंगी पनीर स्टफ्ड कुलचे, तो उसके लिए मैंने ले लिया कैप्सिकम, ऑनियन, और इसका ऊपर से मैंने दे दूंगी पनीर और ब्लैक पेपर सॉल्ट, तो इसका ऊपर और एक मैं कुलचे ब्रेड रख दूंगी और फटाफट ग्रिल कर दूंगी। देखो जो तरीका में मैं बना रही हूँ ना वो दूसरे तरीका में भी आप बना सकते हो, क्योंकि ऑनियन कैप्सिकम और पनीर आप एक साथ मैश करके भी बना सकते हो। अगर किसी का मन करे इसके साथ सॉस भी ले सकते हो, अगर ना मन करे तो सॉस मत लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। पनीर कुलचे रेडी हो चुका है, अब मैं चिकन कुलचे बनाऊंगी, चिकन स्टफ्ड कुलचे। पनीर कुलचे मैंने जैसे बनाया था सेम प्रोसेस में ही मैं बनाऊंगी। अब देखो मैं इसको भी ग्रिल कर दूंगी और रेडी हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय।